अगर सोच ऊंची हो तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमीरपुर के रहने वाले एक किसान ने। किसान ने स्टीम से चलने वाला एक इंजन बनाया है। जिसमें अल्टरनेटर लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है और खेतों में सिंचाई भी की जा सकती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यह बिल्कुल छोटा सा इंजन पूरी स्पीड में घूम रहा है। यह इंजन किसी ईंधन, पेट्रोल या डीजल से नहीं चल रहा, बल्कि यह स्टीम से चलाया जा रहा है, जिसे मामूली सा पैसा खर्च करके बनाया गया है। एक अधेड़ उम्र का किसान जो ना तो कहीं से इंजीनियरिंग पढ़कर आया है और ना ही बहुत उच्च डिग्री प्राप्त की है, बल्कि यह इनकी दिमाग की ही उपज है। इस इंजन को बनाने के पीछे इनकी सोच कम खर्च में सिंचाई या बिजली बनाने की थी, जिसे इस किसान ने पूरा कर दिखाया। लेकिन अभी इस इंजन में और सुधार करने के लिए, इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए यह किसान प्रयासरत है। इसकी सोच है कि अगर इसे सौर ऊर्जा से चलाया गया तो यह इंजन और बेहतर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में कि किस तरह एक किसान ने कड़ी मेहनत कर और दिमाग की ही उपज से इंजन का आविष्कार किया है। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।